उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष दीपक कुमार अग्रवाल सर्राफ गणपति ज्वेलर्स को जिला अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर गंज बाजार सर्राफा कमेटी के द्वारा भव्य स्वागत हार मालाएं पहनाकर और मिठाई वितरण कर जिला अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी गईं और व्यापार मंडल के लिए सदैव एकजुट होकर सहयोग करने का आश्वासन दिया। गंज बाजार के सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने अपने भाई दीपक कुमार अग्रवाल को तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन दिया और कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारी बंधुओं के हित में कार्य करने के लिए एकजुट रहने का भी आश्वासन दिया। स्वागत में उपस्थित रहे सुरेश अग्रवाल, महेश अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, आविष्कार सिंगल, अनुज अग्रवाल, अंकुर गोयल, जयशंकर, प्रदीप कुमार शंकर, कुलदीप कुमार, अंशुल अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, राजू सहगल, अनिल सहगल, सुमित, विपिन कुमार, दीपांशु अग्रवाल आदि मौजूद रहे। दीपक कुमार अग्रवाल जी, किस संगठन में क्या पद मिला आपको? देखिए, हमें उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। कार्यक्रम था आज? देखिए, कार्यक्रम की रूपरेखा देखिए, मुरादाबाद के अंदर जितने भी व्यापारिक संगठन है या उद्योग संगठन है वो बहुत ज्यादा हमारे शहर के अंदर एक्टिव है, जो व्यापारियों के हित के लिए कार्य करने के लिए उनका सहयोग करते हैं। हमारा संगठन जो हमें मनोरोध किया गया है, हम आप लोगों से ये निवेदन भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि हम पूरे शहरवासियों के लिए हर सैन 24 घंटे के लिए हम तैयार। हमारा संगठन व्यापारियों से कंधे से कंधा मिलाकर बराबर सहयोग देगा। तो व्यापारियों को होने वाले परेशानियों को आप उठाएंगे? व्यापारी वालों को जो जितनी भी परेशानियां हैं, कोई जीएसटी से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड है, उन सब परेशानियों का बिल्कुल हम हल करेंगे। तो व्यापारियों के मुख्य रूप से मांगे क्या रहती हैं? देखिए, व्यापारियों के मुख्य रूप से मांगे तो जीएसटी में संशोधन व्यापारी मांगते हैं, कुछ हमारे सराफा एसोसिएशन के जो सराफ लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, कुछ उनको ऊपर जो गवर्नमेंट का प्रपोजल 3% से 5% करने का है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और व्यापारियों की बहुत सारी अन्य मांगे हैं। जैसे क्या क्या मांगे? देखिए, जैसे मांगे तो हमने आपको 2-3 मांगे बता दी। भाई, व्यापारी अब हमारे शहर के अंदर जो है व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, और जितने भी व्यापारी को कोई अगर छापे मारे जाए या कोई प्रकार की कोई छापों की एक्टिविटी तो गवर्नमेंट जिनको गवर्नमेंट से होती है, तो वो जिस छापे के मारने के जिस मार्केट में जाए पहले वो हमको जो है सूचना दे पहले। तो कब तक आपकी कार्यकारिणी बन जाएगी? कार्यकारिणी का बहुत जल्द हम गठन कर लेंगे। क्या नाम आपका? मैं जयदेव यादव, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का जिला प्रभारी। क्या कार्यक्रम था भैया? आज बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश के लोकेश अग्रवाल जी के द्वारा दीपक कुमार सर्राफ जी का यहाँ पर हमने जिला अध्यक्ष घोषित किया है। उनको कल मेरठ में मनोनीत पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन करके उनको जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। किस तरह की उम्मीदें रखते हैं संगठन को चलाने के लिए? हम सभी लोग अपने संगठन के प्रति, हम सबको जो संगठन की जिम्मेदारी मिली है, लोकेश अग्रवाल जी ने जो हमें विश्वास हमारे में दिखाया है, उनके विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं और बहुत ही अच्छा कार्य हम संगठन के लिए यहाँ पर करेंगे ताकि हमारा सारा व्यापारी एक रहे और व्यापारियों की सारी दिक्कतों को हम प्रदेश लेवल क्या हम केंद्र तक अपनी बातों को रखने में सक्षम रहे। इतना अच्छा हम संगठन यहाँ पर बनाए। आगामी 2022 का चुनाव है, क्या व्यापारियों के लिए टिकट की मांग करेंगे? नहीं, हम अभी किसी भी राजनीति के लिए कोई भी प्रकार का बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा संगठन व्यापारियों हित में है। कोई राजनीति तो हम किसी को प्रेरित नहीं करते कि हम इस संगठन से है या इस राजनीति को, हम किसी के लिए कुछ अलग से नहीं करना। मेन व्यापारियों से क्या मांगे रहेंगे? हमारे व्यापारियों की मांग है कि सुरक्षा चाहिए हमारे व्यापारियों को, जो कुछ दिक्कतें जीएसटी में आ रही है। ठीक है, अब जैसे अभी हमने ज्ञापन दिया था मंडी शुल्क को लेके, जो मंडी शुल्क, जबकि हमारे को सरकार ने कहा था कि एक देश एक टैक्स होगा, लेकिन आज भी हमारे यहाँ एक देश तो है लेकिन टैक्स अनेक प्रकार के चल रहे हैं, जो जिसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि वो उनको ख़त्म करें और शीघ्र से शीघ्र एक देश और एक टैक्स वाली पद्धति को हमारी सरकार अपनाएगी।